खेती में नया प्रयोग, फायदे का संयोग। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन पारंपरिक खेती में अब ज्यादा मुनाफा नहीं होता, जिससे परेशान होकर किसान नई नई तकनीकों और नई नई विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और उनका साथ दे रही है प्रदेश की मनोहर सरकार। आधुनिक विधि से खेती करने पर सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया करवाने के साथ साथ मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने का काम लगातार कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और जो किसान विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इसी तरह से हरियाणा के प्रगतिशील किसान नित नए मुकाम हासिल कर प्रदेश की कृषि को अलग ही पहचान दिला रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं जोगिंदर भोकर। पानीपत के गांव दीवाना के रहने वाले हैं किसान जोगिंदर भोकर, जो एक साथ खेत में 3 फसलें उगा रहे हैं। किसान जोगिंदर ने खेत में गन्ने की फसल के साथ साथ गोभी और धनिया की सब्जी भी उगाई, जो उन्हें डबल मुनाफा दे रही है। ट्रेंच विधि से खेती से अच्छा मुनाफा। शुरुआत में लोगों ने प्रगतिशील किसान जोगिंदर का मजाक उड़ाया, लेकिन अब उनसे ही खेती करने के लिए टिप्स लेने भी अनेकों किसान आते हैं और उनसे सीख कर बारीकी से जानकारी हासिल कर खुद भी प्रगतिशील किसान बन रहे हैं। किसान जोगेंद्र ने बताया कि वो ट्रेंच विधि से खेती करते हैं, गन्ने के साथ साथ धनिया और गोभी की खेती भी करते हैं। किसान जोगेंद्र ने बताया कि उन्होंने ये विधि दूसरी जगह से सीखी और सीखने के बाद खुद ट्रेंच विधि को आजमाया। किसान जोगेंद्र का कहना है कि ज्यादातर किसान 2.5 फीट पर गन्ने की बिजाई करते हैं, जबकि वो 5 फीट पर गन्ने की बिजाई करते हैं। इस विधि द्वारा जब गन्ना लगाया गया तो दूसरे किसानों ने काफी कुछ कहा, गलत भी ठहराया, लेकिन ज्यादा दूरी होने पर गन्ने का फुटाव भी ज्यादा हुआ और उसमें प्रति एकड़ 450 से लेकर के 500 क्विंटल गन्ने का उत्पादन हुआ। दूसरा, सब्जियां लगाने का लाभ रहा वो अलग, जो सब्जियों पर खाद या दवाइयों का छिड़काव किया उसी में गन्ने की खेती भी हो गई। इस तरह से खेती करने के बारे में किसान जोगिंदर ने बताया कि उन्होंने पहले कुछ अन्य किसानों को देखा तो उन्होंने भी इसी तरह से खेती करने की सोची और अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान जोगिंदर ने बताया कि गन्ना 1.5 साल की फसल है, जिसमें लागत बहुत ज्यादा है और मुनाफा कम है। इस फसल में लेबर और बीमारी और लागत की समस्या थी, इसमें अब लागत भी कमा रही है और मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि दाम कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन सब्जियों से होने वाले मुनाफे से अच्छी कमाई हो जाती है। उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम पर कमाई निर्भर करती है, अगर सब्जियों के दाम सही मिल जाएं तो अच्छा खासा मुनाफा इसमें हो जाता है। 5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ और इसके साथ मैं 2 फसल और लगाता हूँ, धनिया और गोभी। पीछे मैंने मटर और सरसों भी लगाई थी साथ में। अभी मेरे खेत में धनिया और गोभी है, तो एक साथ में 3 फसल हो जाती है। हाँ, जैसे नॉर्मली हमारे क्या है कि भाई हम 2.5 फीट पे गन्ना लगाते हैं, ठीक है, तो जब 5 फीट पे लगा रहे हैं तो लोगों का कहना ये है, जब 90 लाइन में नहीं निकल रहा इतना तो 45 लाइन में कैसे निकल जाएगा। लेकिन ये नई विधि है, कई जगह हमने देखा भी है। एक भटगांव का किसान है दैया साहब, एक पुठर से है सोमवीर भाई, ठीक है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका देखा हमने, तो वहाँ से थोड़ा सा एक बार हम जींद गए देखने। मेरे गांव में भी अच्छे किसान है एक दो। आपके तो दिमाग में कैसे आया ये आइडिया? मैं एक दिन वैसे ही बता रहा हूँ ना कि हम देखने गए थे कहीं, तो मैंने देखा भाई ये खाली गन्ना 1.5 साल की फसल है, तो 1.5 साल में क्या प्रॉफिट आएगा, कुछ भी नहीं आता है उसमें। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, ठेका बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भाई इनकम सोर्सेज बढ़े, और मैनुअल काम को हमने घटाया, इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर है उसका रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, रेटून मैनेजर है, इस पर मिट्टी चढ़ाना है। अब जैसे हम बंधाई नहीं करेंगे गन्ने की, जो बंधाई की हमारी कॉस्टिंग है वो बचेगी,
अब मेरा एक एकड़ में इसकी नुड़ाई 500 रुपये के तेल में हो रही है, अगर हम मैनुअल कराए तो 5-6 हज़ार रुपये लेगा। तो प्रॉफिट की बात करें तो कितना एक एकड़ से प्रॉफिट लगभग आ जाता है? ऐसा है भाई साहब, इस पे ना कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। जैसे सब्जी है वो हमारी डिपेंड करती है रेट पे। अभी मैंने धनिया लगाया था, मैंने 20 रुपये किलो से बेचना शुरू किया, मैं कल बेच के आया वो 7 रुपये किलो बिका, तो वहाँ पे डिफर कर जाता है। गोभी भी वही है, जैसा रेट होगा वैसा ही मिल जाता है। मतलब एक साल में आप 2.5 से 3 लाख रुपए पर एकड़ से दे लेते हैं? अगर अच्छा रेट मिल जाए ना तो निकाल लेते हैं। अभी क्या है, जैसे गन्ना है हमारा, गन्ने का 372 रुपये रेट है, तो वो फिक्स है, जितने क्विंटल निकालेंगे वो निकल जाएगा। इनकम डिपेंड करती है हमारी सब्जी के रेट पे, अगर अच्छा रेट होगा तो अच्छा इनकम मिल जाएगा। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान जोगेंद्र ने बताया कि अब जो भी लागत उनकी लगती है वो सब्जियां उगाने में लगती है, और इसके साथ ही गन्ने की खेती मुफ्त में हो जाती है। इतना ही नहीं, गन्ने में बंधाई और नोलाई में आने वाली अतिरिक्त लागत भी नहीं लगती। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र ने बताया कि फिलहाल उन्होंने 20 एकड़ भूमि पर ट्रेंच विधि से खेती की हुई है, जिसमें से 8 एकड़ उनकी खुद की जमीन है। ये मेरी बचत मानो आप, सरकार की तरफ से देखो हम अगर ट्रेंच विधि पे लगाते हैं ना तो हमें 3,000 रुपये एकड़ में मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिलता। पानी वगैरह की भी बचत है इसमें? हाँ, पानी की इतनी बचत है, जब हम 5 फीट पे लगा रहे हैं ना लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है इसमें, ठीक है, कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाए तो ज्यादा पानी लगता है, और गन्ने को फ्लड वाला पानी नहीं, कोई भी चीज है फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए, तो पानी की भी बचत है। जैसे हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको बेनिफिट मिले। हाँ, तंज भी कसे है, मोटिवेट भी किया है। क्या कहते थे लोग? कहते यार ये नई विधि लेके आए हैं, कहते चलो कोई नहीं, इसको तो आदत है ऐसा कुछ करने की, ये बनेगा विज्ञानी। हाँ, लेकिन कईयों ने मोटिवेट भी किया, तो ये तो चलता ही है। आज आपसे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं कुछ? हाँ, किसान मिलने आते हैं, मैं उनको देखो ये भी बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है आदमी, तो इक्विपमेंट्स जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, तभी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल खेती में, इस खेती में क्या मानते हैं कि फर्क? हाँ, डेफिनेटली फर्क है। अगर हम इस विधि को अपनाएंगे, चाहे हम कम कर ले खेती, मैं ये कहता हूँ कम कर लो, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमने ये नहीं दिखाना है कि मैंने 100 एकड़ किया है, 200 एकड़ किया है, हमें तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर हम इस विधि को अपनाते हैं तो डेफिनेटली किसान को फायदा हो सकता है। कितने एकड़ पे आप अभी करते हैं? मैं 60 एकड़ की खेती करता हूँ। आपके कितने हैं? मेरे 8 एकड़ है घर के। इसके अलावा प्रगतिशील किसान जोगेंद्र ने बताया कि ट्रेंच विधि से खेती करने पर सरकार भी मदद करती है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से प्रति एकड़ के हिसाब से 3,000 रुपए की मदद की जाती है। इसके अलावा पानी की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि किसी भी फसल को सिर्फ नमी चाहिए वो मिल जाती है। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र का कहना है कि कुछ लोग हंसी उड़ाते रहे तो वहीं कुछ लोग इससे अब खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि इस तरह की खेती करने के लिए अधूरा ज्ञान मुश्किल पैदा कर सकता है। ट्रेंच विधि से अगर किसी दूसरे किसान को खेती करनी है तो इसके लिए उपकरण भी अति जरूरी है। सरकार की तरफ से देखो हम अगर ट्रेंच विधि पे लगाते हैं ना तो हमें 3,000 रुपए एकड़ में मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिलता। पानी वगैरह की भी बचत है इसमें? हाँ, पानी की इतनी बचत है, जब हम 5 फीट पे लगा रहे हैं ना लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है इसमें, ठीक है, कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाए तो ज़्यादा पानी लगता है, और गन्ने को फ्लड वाला पानी नहीं, कोई भी चीज़ है फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए, तो पानी की भी बचत है। जैसे हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको बेनिफिट मिले। हाँ, तंज भी कसे हैं, मोटिवेट भी किया है। क्या कहते थे लोग? कहते यार ये नई विधि लेके आए हैं, कहते चलो कोई नहीं, इसको तो आदत है ऐसा कुछ करने की, ये बनेगा विज्ञानी। हाँ, लेकिन कईयों ने मोटिवेट भी किया, तो ये तो चलता ही है।
आज आपसे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं कुछ? हाँ, किसान मिलने आते हैं। मैं उनको देखो ये भी बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है आदमी। तो इक्विपमेंट्स जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, तभी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल खेती में, इस खेती में क्या मानते हैं कि फर्क है? हाँ, डेफिनेटली फर्क है। अगर हम इस विधि को अपनाएंगे, चाहे हम कम कर लें खेती, मैं ये कहता हूँ कम कर लो, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमने ये नहीं दिखाना है कि मैंने 100 एकड़ किया है, 200 एकड़ किया है। हमें तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर हम इस विधि को अपनाते हैं तो डेफिनेटली किसान को फायदा हो सकता है। कितने एकड़ पे आप अभी करते हैं? मैं 60 एकड़ की खेती करता हूँ। आपके कितने हैं? मेरे 8 एकड़ है घर के। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र का कहना है कि जरूरी नहीं है ज्यादा जमीन पर ही खेती की जाए, मतलब फायदे से है। भले ही कम जमीन पर ट्रेंच विधि से खेती की जाए, लेकिन कम लागत में अगर ज्यादा मुनाफा कमाना है तो इस विधि से आसानी से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान जोगेंद्र के मुताबिक वो एक साथ 3 फसलों की खेती से प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही है। खेत से ही दिल्ली आजादपुर मंडी के आढ़ती गाड़ी भेज करके धनिया और गोभी की सब्जी मंगवा लेते हैं। कृषि विविधीकरण से जोगेंद्र मौसमी सब्जियां भी उगाते हैं। उन्होंने बताया कि वो लगभग इस विधि से 20 एकड़ में कृषि करते हैं। जोगेंद्र का कहना है कि खेती करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस इसमें मेहनत और सही तरीके की जरूरत पड़ती है।